आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, इसके बारे में थोड़ा बताएं विस्तृत रूप से और क्या मांगे हैं आप? पिछले 20 साल से घसट रहा है हम लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार हमारी इस बार सुने, पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे आज हमारे 14-15 साल के हो गए, वो कहते हैं मम्मी सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, हमको ऐसे स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, कि ये नहीं है वो नहीं। दुनिया भर में हम परेशान हो रहे हैं, इतनी दूर दूर भीड़ करने जाते हैं कि आज पेट्रोल किस भाव में, ये सरकार खुद जानती है। सरकार को सोचना चाहिए कि इन संविदा कर्मचारियों के प्रति थोड़ा तो देखे हम लोगों के प्रति। हम आधी आधी रात में वापस सारे 9-9 बजे कोविड के समय हमने सुबह 7 बजे से घर छोड़ा है, रात के 9-10 बज रहा है, अकेली महिला जंगलों में भटक रही है, पूरा केडो परेशान है। हमारी सरकार से हमारी एक ही विनती है, हमारी शिवराज सरकार से हम सबको नियमित किया जाए और किसी को मतभेद करके नहीं कि इस विभाग को ज्यादा या उस विभाग को कम, सबको समान वेतन समान कार्य दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, हम भी प्रभावित हैं इसी वजह से, सरकार खुद हमें प्रभावित कर रही है, मजबूर कर रही है हमको कि तुम रोड पे आओ और आके गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो और भूसा खाओ और न जाने क्या क्या करवाना चाहती है सरकार हमसे, हम और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अनोखा जो आंदोलन आपने किया है भूसा आंदोलन, भूसा क्या है, भूसा क्यों खाया? भूसा, अरे आज तो भूसा फिर भी ठीक है कि हम खा रहे हैं, आगे तो हमारे जी दिन आ जाएंगे भूसा नहीं मिलेगा हमको खाने को, वो भी नहीं मिलेगा, क्यों? भूसा भी 18 रुपए किलो चल रहा है, सोचो आप, गेहूं क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, कहाँ से जाए खाए और कैसे मोड़ मोड़ी पाले, बताओ आप ही बताओ ना, सब जाने पत्रकार भाइयों मेरे, आप बताओ हम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी विधानसभा चल रही, किसी नेता ने पक्ष विपक्ष की कोई खैर खबर नहीं ली उनकी तरफ से, तो कल मारे सो अभियान मार जाए, पूरे संविदा कर्मचारी मार जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमसे, केवल काम के लिए, काम के लिए 7 बजे से अधिकारियों के लेटर, सबके लेटर नहीं पहुँचे, आज की सीधे तनखा काटने की धमकी, हटाने की धमकी, 2 धमकी उन्हें याद रख रखी है हमारे बारे में संविधान।